उमियांग झील में बहुप्रतीक्षित राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 शुरू हो गया है। इसका आयोजन ईस्टर्न कमांड मुख्यालय की ओर से किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजकों से पर्यटकों को आकर्षित करने में और मदद मिलेगी और साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बता दें कि पहले संस्करण के तहत वाटर फेस्ट 2022 में देश भर के 22 रोइंग एंड सेलिंग क्लब के 150 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सेना के कई बैंड्स ने प्रदर्शन किया। यहां नौसेना वायुसेना के सहयोग से बेहतरीन प्रदर्शन की जा रही है जो दर्शकों को काफ़ी लुभा रहा है। This program that we are having is another example of how the state government wants to promote different activities and would like Meghalaya and Shillong to become one of the preferred destinations for tourists from throughout the country and also the world. Alag alag jo hamare yahan pe sailors jo desh ke कोने अलग अलग कोने से जांच यहां पे आए हैं, आप सभी का यहां पे स्वागत है। मुझे मालूम है ये पहली बार हो रहा है, हो सकता है कुछ छोटी छोटी कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर स्टेट में हमारे स्टेट में आप सबको मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि ये फेस्टिवल एक बहुत सक्सेसफुल फेस्टिवल हो। मैं चाहूंगा कि ये फेस्टिवल आगे भी हर साल हम इसे और इंप्रूव करते रहें।